के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर शख्स सड़क पर उतर आया है क्योंकि निर्भया के बाद ये दूसरा इस तरह का वाकया है जिसमें इंसानियत शर्मसार हुई है। लोग बातें कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, कानून को कोस रहे हैं, सिस्टम को कोस रहे हैं। सिस्टम को कोसना चाहिए भी, क्योंकि जिस तरह से असंवेदनशील तरीके से तेलंगाना के गृह मंत्री ने बयान दिया वो कतई मंजूर नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि पहले पुलिस को फोन करना चाहिए था, उसके बाद परिवार को। अरे जनाब, जिस पर भरोसा होता है संकट के समय आदमी उसी को फोन करता है। उसको अपनी बहन पर फोन भरोसा था, इसलिए पहला फोन उसको किया। पुलिस कब आती है, थानों को लेकर कैसे उलझी रहती है, ये सब किसी से छुपा नहीं है, लेकिन सिस्टम को जगाने के लिए सड़क पर उतरना ही पड़ता है। निर्भया कांड के बाद बहुत सारे कानून बने, संसद में बात हुई, लोगों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जताया, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद सब कुछ पिछले जैसा ही हो जाता है। सिस्टम नहीं बदलता, उसी सिस्टम को बदलने के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, मुंबई से लेकर के गाजियाबाद तक, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, और हैदराबाद तो एपी सेंटर बना हुआ है। हमारे साथ देश के तमाम हिस्सों से रिपोर्टर हमारे जुड़ेंगे और हम आपको जंतर मंतर की तस्वीर भी दिखेंगे, जहां पर हैदराबाद की डॉक्टर बेटी की रेप और हत्या के बाद किस कदर लोग आक्रोशित हैं, सड़क पर उतरे हैं। जरा उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अपने साथी रिपोर्टर्स के पास। ये बताइए कि आप लोगों के ये प्रदर्शन करने का मकसद यहाँ पर जंतर मंतर पे क्या है? संसद थोड़ी दूर पे है। सर, हमारा यही मकसद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, चाहे उन्नाव हो, हैदराबाद हो, कहीं भी राज्य में किसी की बहन बेटी, हमारे देश की बहन बेटी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको न्याय मिले और जस्टिस मिले, और हम इसीलिए यहाँ आए हुए हैं कि उनको न्याय दिया जाए। आपने देखा पुलिस की भूमिका, वहाँ के गृह मंत्री का बयान था कि पहले बहन को क्या पुलिस को फोन करना चाहिए था, और पुलिस की भूमिका तो आप जानते हैं जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, वहाँ की जो सरकार की बहुत बड़ी गलती है, वहाँ की प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने उनकी सुनवाई नहीं की, उनको न्याय नहीं दे पाए। वहाँ की प्रशासन भी की और वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी गलती है सर। हमारे साथ एक और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जरा तेजस इधर आ जाइए आप। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? ये जो भी दुर्घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पूरे देश के लिए बड़ी निंदनीय बात है कि एक हमारी बेटी, एक हमारी बहन जो इतने दुष्कर्मों से निकल के मृत्यु हो गई है उसकी, और फिर भी संसद चुप है और प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, कोई फैसला नहीं ले रहे, कोई आवेदन नहीं कर रहे कि जिससे उनको फांसी हो। संसद भी चल रहा है, सब कुछ हो सकता है, राम मंदिर पास हो सकता है, 370 हट सकती है, लेकिन जो जिन्होंने बलात्कार किया उनको फांसी नहीं दी जा। मैं संसद से अभी आ रहा हूँ, मैंने देखा कि संसद में, राज्यसभा में इस मसले पर बाकायदा डिस्कशन हो रहा है। हो रहा है, लेकिन उस चीज को पूर्ण तरीके से उनको फांसी दी जाए तो हम अपना जस्टिस। देखिए, फांसी की मांग कर रहे हैं जो लोग भी यहाँ पर हैं। अभी सीधे चलते हैं हैदराबाद, हमारे सहयोगी संजय तिवारी वहाँ पर मौजूद हैं। संजय, तमाम बातें हो गई, नेताओं के बयान हमने सुन लिए, लेकिन इस वक्त हैदराबाद में इस पूरी विभत्स घटना को लेकर लोगों का क्या कहना है, लोग क्या मान रहे हैं? आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तस्वीर है कि लोगों में किस कदर गुस्सा है। लोग सड़कों पर है, उबाल है लोगों के अंदर, और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर एक एबीवीपी का प्रदर्शन हो रहा है और ये लोग जा रहे हैं। तमाम छात्र छात्राएं इसमें मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, निधि, क्या डिमांड है आपकी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का बनाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया। बहुत दुखद बात है ये कि रेप होने के बाद पिछले चार दिनों तक क्या वो सो रहे थे, वो अपने थाने में बैठा करके उन लोगों को। तो संजय तिवारी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर, संसद भवन से थोड़ी ही दूर जंतर मंतर पर लगातार इस मसले को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। लोग ये बिल्कुल
बिल्कुल आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, पुलिस जो है वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। तमाम स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं यहाँ पे इकट्ठा हैं, तमाम पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट है, लेकिन लोगों की भीड़ को रोकना उनके लिए संभव नहीं लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो है लोग सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही बार वी वॉन्ट जस्टिस, उनको न्याय चाहिए। और न्याय का मतलब ये नहीं है कि एक केस में कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए और फैसला हो जाए, न्याय सबको सुरक्षा चाहिए। लड़कियों के अंदर लड़कियाँ किस तरह से आप देख सकते हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और जो है वो कोशिश कर रही हैं कि उनको जो है उनकी लड़ाई अंतिम लड़ाई बने, क्योंकि निर्भया कांड के बाद आपने देखा है कि जनता का उबाल सड़कों पर उतरा, लेकिन स्थितियों में बहुत सुधार नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं? देश के कानून के तहत कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ? नहीं होता वो कोई, सब सीधा रोड पे फांसी चढ़ा देना चाहिए लोगों को। आप लोगों को असुरक्षा महसूस होती है जब सड़कों पे निकलते हैं? जी हाँ, बहुत। किल द रेपिस्ट, उनका कहना, देखिए ये लड़कियों का आवाज जो, आप क्या कहना चाहिए? इनको जस्टिस चाहिए। जस्टिस क्या है? जस्टिस है इनको कि इनको कुछ फूल मिला के जो है वो लोगों से, लोग जो लड़कियां हैं खासतौर पर, वो चाहती हैं कि उनको सुरक्षा महसूस हो, और वो सुरक्षा नहीं महसूस हो रही है, इसलिए ये उबाल सड़कों पर है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पूरे मामले जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह का गुस्सा और गम है, जो भी छात्राएं वहां पर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबके मन में गुस्सा है, गम है, उसका इजहार वो लोग कर रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। सवाल सिर्फ यह उठता है और दुख तब होता है जब यही पुलिस क्राइम होने को नहीं रोक पाती, यही पुलिस इस तरह की विभत्स बलात्कार की घटनाओं और मर्डर को नहीं रोक पाती, यही पुलिस समय रहते इन घटनाओं को रोकने के लिए पहुंचती नहीं है, लेकिन अगर इन घटनाओं पर कोई गम जाहिर करना चाहे, गुस्सा जाहिर करना चाहे तो उसको रोकती है। एक अकेली बेटी संसद के गेट तक पहुंचना चाहती है, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बेटियों की सुरक्षा की मांग करती है, उसको भी रोका जाता है। तो सिस्टम और पुलिस घटना हो जाने के बाद प्रदर्शन करने और न्याय मांगने वालों को तो रोकती है, लेकिन दरिंदों को नहीं रोकती। इस वक्त फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा जंतर मंतर पर जिस तरह से लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनके गम और गुस्से, उनकी मुश्किल इतनी ज्यादा है कि वो यहां से थोड़ी दूर पर संसद में जो कार्रवाई चल रही है वहां जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की वजह से वहां नहीं जा पा रहे, धारा 144 लागू है। हमारे साथ देश के तमाम हिस्सों से संवाददाता जुड़े हैं, कोई शहर बचा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां से प्रदर्शन की खबरें ना आ रही हों, लोग सिस्टम पर सवाल न उठा रहे हों। निर्भया के बाद बहुत कुछ बदला देश में, लेकिन उतना नहीं बदला जितने की जरूरत थी। हमारे साथ जावेद मंसूरी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। जावेद, जहां आप हैं वहां पर किस तरह से लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए हमें। देखिए इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, लेकिन अरुण सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि हमने 2012 में भी देखा था, जंतर मंतर उसी गवाह रहा है जब निर्भया आंदोलन हुआ, निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ, और आज फिर से 2019 में भी कमोबेश वही तस्वीर जंतर मंतर पर है। यहाँ हमारे साथ आप देखेंगे काली पट्टी बांधकर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बेहद शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग अपनी प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आप बताइए कि हैदराबाद में डॉक्टर के साथ जो हुआ उस पर आप लोग क्या कह रहे हैं कि कोई तस्वीर नहीं बदली है? जंतर मंतर में 2012 में भी एक आंदोलन देखा था, लेकिन अब फिर से आज हम वहीं खड़े हैं। 2012 में जो हुआ था आज फिर वही 2019 में हुआ, शासक बदले हैं बट इसका कानून नहीं बदला। मेरा सभी पार्टियों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए अभी संसद चल रही है, तुरंत एक बिल पास करें जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और ऐसे दरिंदों को कोई रियायत नहीं, तुरंत फांसी होनी चाहिए इनको। लेकिन हमेशा बात की जाती है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, सख्त कानून की, लेकिन कमी जो है वो अमल में है। अगर अमल सही तरीके से होता तो शायद आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज हम जंतर मंतर पर शायद नहीं होते। जंतर मंतर पर नहीं होना पड़ता, आपको सही कह रहे हो। जब कानून मजबूत नहीं रहेगा, सरकार इतने बयान करते हैं, सरकार को सोचना चाहिए, ऐसे हालात हो जाते हैं, हमारे बहन जैसे को इतने बुरी तरह से जला जाता है, गलत काम हो जाते हैं, तो कानून की सख्ताई नहीं है बिल्कुल। ये बताइए कि क्या कहेंगे आप, आज फिर से हम जुटे एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, किस तरह से दरिंदगी की गई हैदराबाद में हमने देखा,
क्या कहेंगे, कितनी तकलीफ आज आपको हो रही है? सर, तकलीफ से ज्यादा आज डर और दुख है। मेरी 2 साल की बेटी है, उसको आज सड़क में या स्कूल में कैसे बुझू, वो डर ज्यादा है अंदर मेरे अंदर। उस वजह से इधर आज हूँ मैं। 2012 है, 2019 नहीं है, ये रोज की घटना है। अगर 370 जरूरी है, अगर राम मंदिर जरूरी है, ट्रिपल तलाक जरूरी है, वो रातों रात उसको लाके पास करना जरूरी है, महाराष्ट्र का सरकार बनाना जरूरी है, तो ये इतना बड़ा जावेद, जितने भी लोग आए हुए हैं सबकी अपनी प्रतिक्रिया है। लोग कह रहे हैं इस माहौल में कैसे हम घर से बाहर निकलें, कैसे अपनी बच्चियों को सड़क पर जाने दें, स्कूल जाने दें। कई महिलाओं से हमने भी बात की, बच्चियों से बात की, उनके अंदर डर साफ झलक रहा है। जरा सुनते हैं इन बच्चियों ने क्या कुछ कहा कैमरे के सामने। जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ तो मुझे पता है कैसा अनसेफ फील होता है। मेरे पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं बेटा आप घर पहुँच गए हो सर, तो बार बार उनका कॉल करना, मुझे पता है वो कितना परेशान है। हम अपने घर से इतने दूर है सर, कब तक ये चलेगा, कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, प्लीज लड़कियों को सेव कर दो। पार्लियामेंट में सरकार सो रही है, अगर सरकार के अंदर सांसें होती तो उनको फर्क पड़ता कि इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ, 7 साल पहले निर्भया के साथ हुआ, आज तक उनके जो एक्यूज्ड है उनको, दरिंदों को फांसी नहीं मिली। अगर आज भी आप चुप हैं, प्रधानमंत्री चुप है, उनकी सभी महिलाएं मंत्री चुप है, अगर सिस्टम, समाज और सरकार सभी लोग चुप बैठेंगे तो एक्शन कौन लेगा? फिर जनता को ही एक्शन लेना पड़ेगा। गौ रक्षक तो है लेकिन बेटियों की रक्षा कौन करेगा, सवाल ये। तो महिलाओं और बच्चियों का डर निश्चित रूप से इस समाज को झकझोरने के लिए काफी होना चाहिए। एक समाज के रूप में क्या हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चे, ये लड़कियां सब हमारे ही समाज के हैं? ये जो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इसके बाद हम बहुत शोर मचाते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या अपने घर के बच्चों को वो संस्कार देते हैं, उनको सिखाते हैं कि महिलाओं का सम्मान किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए? हमारे साथ भोपाल से मनोज शर्मा जुड़े हुए हैं। मनोज, सवाल तो वही है कि हजारों मील दूर हैदराबाद है, चाहे वो दिल्ली की बात आप करिए, चाहे मुंबई, हैदराबाद की बात करिए, चेन्नई की बात करिए, दूरियां चाहे जितनी भी हो, लेकिन गम और गुस्सा लोगों का वही है। एक ही तरह की प्रतिक्रिया है कि इस तरह के लोगों से निपटने के लिए कड़े कानून ही नहीं, उसका पालन भी होना चाहिए। तो भोपाल के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में और किस तरह से शामिल है हैदराबाद की डॉक्टर बेटी के दुख में? भोपाल के सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देखिए लड़कियों में गुस्सा है, गुस्से के साथ साथ लड़कियों में डर है। 1947 में हिंदुस्तान आजाद होता है, 2019 में आधी आबादी डरी हुई है, आधी आबादी कह रही है कि हमें आजादी कब मिलेगी। मैं जो घटना हुई है उन सबको हम लड़कियों की कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। बचपन में देखा था उसने एक सपना, बड़े होकर करना है बड़ा नाम अपना, करी मेहनत बनी वो डॉक्टर पर मंजूर था किस्मत को कुछ और, भूल गई वो इस दुनिया में रहते हैं शैतान गई, ना होती है रूह उनमें ना होता है दिल कोई, जला दिया हैवानों ने उसे अपने हवस की आग में, झुलस गया वो फूल प्यारा सा जो महकता था कभी बाग में। देखिए किस कदर गुस्सा है, आप जो जिस तरह की घटना हैदराबाद में हुई, निर्भया का घटना हुई थी, उसके बाद इस तरह की घटनाएं कितना झकझोर देती है अंदर से लड़कियों को, ऐसी घटनाएं पूरा तोड़ देती है। वो अपने घर से बाहर निकलने में भी डरती हैं कि कहीं हम घर से बाहर निकल जाएंगे तो कोई हमारा रेप ना कर ले। आज स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी हमारे देश की बेटी स्वतंत्र नहीं हो सकी है। आप एक कविता गा रही थी थोड़ी देर पहले, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी छुपती, मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे आप भी छुपो, आपका नंबर आएगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, 2012 में हुए निर्भया कांड में आज तक उस दोषियों को सजा नहीं दी गई, अगर उस समय उन दोषियों को सजा दी गई होती तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम कब तक ट्विटर पे हैशटैग्स ट्रेंड करेंगे, नाउ वी वांट जस्टिस एंड स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट सच एनिमल्स डिसगाइज्ड एज ह्यूमंस, वी वांट स्ट्रिक्ट लॉज। मतलब ये लड़ाई ट्विटर पे नहीं हो पाएगी। तो मनोज, आपके साथ जो लड़कियां हैं वो किन शब्दों में अपना दुख, अपना डर बयां कर रही हैं, बखूबी हमने सुना। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। 1978 की एक घटना दर्शकों को जरा बता दूं, एक लड़की और उसके भाई के साथ इसी दिल्ली में लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद यहाँ पास के जंगलों में ले जा करके उसकी हत्या कर दी गई, उसके भाई की भी हत्या कर दी गई। रंगा और बिरला नाम के दो अपराधियों को
फांसी हुई दोनों दुर्दांत अपराधियों को, और उस समय भी बोट क्लब पर इसी तरह भीड़ जुटी थी। बोट क्लब पर उस वक्त भी लोगों ने गुस्से का इजहार किया था, प्रदर्शन किया था, लेकिन 1978 से लेकर 2019 तक तस्वीर कितनी बदली है, सिस्टम कितना बदला है, ये आप खुद सोचिए। लेकिन इस बीच जमशेदपुर चलते हैं, हमारी सहयोगी अमृता वहाँ पर है, उनके साथ भी कुछ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। अमृता, जमशेदपुर के लोगों का क्या कहना है हैदराबाद की बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद? बिल्कुल, हम यहाँ बात करते हैं, हमारे साथ हर वर्ग की लड़कियां, महिलाएं, औरतें हमारे साथ मौजूद हैं और सभी आक्रोशित हैं, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि महिलाएं देवी हैं, देवी के रूप में हम उनको पूजते हैं, और ऐसे देश में जहां देवी के रूप में पूजा जाता है, ये नारी की हालत है, ये सबको कचोटती है और उद्वेलित करती है। हम बात करते हैं, हमारे साथ बच्चियां हैं, बड़े हैं, ये देखिए, ये बच्चियां हैं, देखिए प्राइज जीत कर आई हैं, बाहर जाती हैं, खिलाड़ी हैं, और इतनी भयभीत हैं आजकल, और इन दिनों वो यही सोचती कहाँ जाए कहाँ ना जाए। क्या मन में आता है ये जो हैदराबाद में जो डॉक्टर बेटी के साथ ये जो घटना हुई, क्या सोचती है? बिल्कुल, ये तस्वीर है, देखिए पुलिस कितनी रस्सा कसी कर रही है इस समय इन लोगों को रोकने के लिए, और पुलिस के साथ ये सैलाब जो है, ये गुस्सा है, ये थम नहीं सकता है। ये महिलाएं, जो लड़कियां, जो बच्चे, जो जवान, नौजवान, सबके अंदर गुस्सा है। और ये देखिए, पुलिस की तीसरी दफ़े कोशिश हुई इनको रोकने के लिए, लेकिन ये रुके नहीं, और यहाँ पर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनका इंदिरा पार्क तक जाना है, जो धरना चौक हैदराबाद में कहलाता है, और पुलिस चाहती है कि ये लोग वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन उसको जो है वो सारे बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं। और जाहिर तौर पर पुलिस के बस की बात नहीं है कि इस सैलाब को या इस गुस्से को रोक सके। लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग इंसाफ चाहते हैं, और किसी भी हाल में चाहते हैं कि जो है इंसाफ उनको मिले। ये लड़कों के चेहरे को समझ सकते हैं क्या आप? जस्टिस, व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस क्या चाहते हैं आप लोग? आपको पता है, डू यू नो कि कल रात को जब उनको जेल में थी तो उनको मटन करी सर्व किया गया? हाँ, पता हाँ, पता है, उनको मटन खिलाता है। कौन है? मटन नहीं खिलाना, कीचड़ खिलाना उन लोगों को। ये देखिए, ये जो लड़कियां हैं वो साफ तौर पे कह रही हैं कि किसी भी हाल में उनको हैंग किया जाना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और गुस्सा इस कदर है कि उनका कहना है कि फांसी के लिए उनके हवाले कर दिया जाए। तो लोग जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो मांग कर रहे हैं, पुलिस की कोशिश है उसको रोकने की, लेकिन हमें संभव नज़र नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस सैलाब को रोकेगी। फिलहाल जो है वो हैदराबाद में इस तरह के प्रदर्शन। जी संजय, हैदराबाद की लड़कियों का आक्रोश बखूबी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि घटना वहाँ घटी है, वो एपिसेंटर है। इस वक्त देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस तरह से दरिंदगी के साथ जहाँ घटना होती है वहाँ के लोगों में उबाल लाजमी है। हमारे देश के दर्शन में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस देश का दर्शन ये रहा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों में देखिए, कुछ सालों में देखिए, किस तरह से हैवानियत इस कदर हावी है कि लोग भूल जाते हैं कि वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के बेटे हैं। हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं मुंबई से, उनके पास चलते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि वहाँ प्रदर्शन हुए थे, आक्रोश लोगों का था। आशीष, मुंबई के लोग किस तरह से इस घटना के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं? जी, हैदराबाद में जो हुआ, निर्भया का मामला, सिर्फ शहर बदला लेकिन लोग, आरोपी बदले लेकिन कहानी वही है। यहाँ पे अगर देखें तो ये कॉलेज जाने वाली नौजवान लड़कियां हैं, और कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात जरूर आती है, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हैदराबाद का जो ये पूरा मामला हुआ, इसे देख कर क्या लगता है, कितना गुस्सा आता है? बहुत ज्यादा, मतलब हम किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते। एक लड़की सेफली बाहर जा भी नहीं सकती है घर के, कोई मतलब मदद भी नहीं मांग सकती वो। एक बात बताओ कि आप जब निकलते हो, इस तरह का माहौल होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, सामने दिखाई पड़ती हैं, हैदराबाद का जिस तरह का मामला हुआ, पढ़ने के बाद दिमाग में, दिल में सबसे पहली बात क्या आती है? डर लगता है बहुत ज्यादा, कि पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए डर लगता है, लेकिन अब तो खुद का भी ट्रांसपोर्ट हो फिर भी हमें डर लगता है कि कोई कुछ करना दे और आके
कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, और रात में निकलने का सवाल ही नहीं उठता। हमसे ज्यादा हमारे घर वालों को चिंता होती है कि बाहर जाएगी तो क्या होगा, ऐसा गलत हो सकता है। ज्यादा डर हमारे मन में बैठ चुका है कि उनके साथ आज हुआ है, कल को हमारे साथ ना हो जाए ऐसा। मुंबई जबकि सबसे सेफ माना जाता है महिलाओं के लिए, लेकिन बावजूद इसके इस मामले के बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल जरूर है। एक बात बताओ बेटा, जब आप लेट होते हो घर पहुंचने में उस वक्त, और ये वाकया उस वक्त जब घर वालों की परेशानी बढ़ती है, और इस वक्त ये वाकया देखने के बाद क्या दिमाग में आता है? इससे ज्यादा तो और भी हमारे फैमिली वाले टेंशन में आ जाते हैं कि लड़की बाहर है, अभी तक आई नहीं है, कब आएगी, कैसे आएगी। अभी तो ड्राइवर वालों पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। मदद के नाम पे जो जिस तरह से किया गया, उस मदद को लेकर अब दिमाग में क्या आता है कि कोई मदद करने आए तो कैसा? मदद करने के लिए कोई अगर आता है सामने तो उसे देख के क्या लगेगा दिमाग में सबसे पहले? सर दरअसल डर लगेगा कि मतलब किसी से हेल्प भी कैसे मांगे, मदद मांगने में डर लगेगा। यही हैदराबाद का जो ये वाकया है वो कहीं ना कहीं जताता है कि लोगों में, महिलाओं में खासतौर पे, जो नई पीढ़ी है, वो महिलाएं जो सड़क पर निकलती है उनमें कहीं... मुंबई की लड़कियां, कहा जाता है कि मुंबई महानगर में लड़कियों को, महिलाओं को आजादी है, खुला माहौल है, वहां पर पूरी रात मुंबई सोती नहीं है, सड़कों पर सुरक्षा है, लेकिन महिलाओं का डर जिस तरह से दिल्ली में है उसी तरह से मुंबई में है, उसी तरह से हैदराबाद में, यानी तस्वीर नहीं बदलती। जमशेदपुर से हमारे साथ अमृता अभी भी बनी हुई है। अमृता, आपके आसपास जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जरा बाजी की आवाज आ रही है। संजय तो हैदराबाद में हमारे सहयोगी संजय तिवारी थे, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमें सायरन सुनाई दे रहा है पुलिस की जीपों का, हमें आवाज सुनाई दे रही है लोगों के नारेबाजी की, लेकिन संजय तिवारी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। चलते हैं जमशेदपुर, अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृता, आपके आसपास जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो किस तरह से अपने आक्रोश का इजहार कर रही हैं? बिल्कुल, हम बात करते हैं और किस तरह का आक्रोश है आप लोगों के भीतर, और क्या कुछ कहना चाहेंगी ये जो घटना है हैदराबाद? सबसे पहले तो दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्यों हमें भोग की वस्तु समझी जाती है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बॉलीवुड को देखिए, औरतों को भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है। क्यों नहीं हमारी सरकार इसके खिलाफ कानून बनाती है? क्यों नहीं रोक लगाया जाता है? इंटरनेट में देखिए गंदी गंदी चीजें दिख रही हैं। इंटरनेट की अच्छी चीजों को यूज किया जाए, गंदी चीजों को बैन किया जाए। कितना असुरक्षित महसूस करती है? स्टूडेंट है हमारे साथ बहुत सारी हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, लड़कियों को कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ गई, नौकरी करने लगी, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, और फिर असुरक्षित। मैं बोलना चाहूंगी ये घटना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ये बहुत शर्मनाक की बात है हम लोग, हमारे देश के लिए, कि हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हम अपने को तो बोल ही सकते हैं, हम तो आम है, डॉक्टर तक को इंसान इस तरीके से देखता है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है। तो हम तो आम लड़कियां हैं, हम घर से निकलते हैं तो हमारे माँ बाप को ये चीज का चिंता है कि हमारी बेटी सुरक्षित घर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, क्योंकि लोगों में इस तरीका का ये है, सब लड़कियों को एक घृणित नजर से, मतलब दूसरी गंदी नजर से देखते हैं लड़के, तो लड़के अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करेंगी? खिलाड़ी हैं, बाहर जाती हैं, किस तरह का भय का वातावरण इस देश में बन गया है, कहाँ जाए लड़कियां? अभी जैसे हम लोग रोज कॉलेज आते हैं तो ऑटो में नया नया व्यक्ति से हम लोग मिलते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग को भी डर लगा रहता है, कहीं वो लोग छू ले, या नया ऑटो वाला से भी डर लगता है कि सही सुरक्षित हम लोग को पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। और हम लोग खुद की स्कूटी हो तो भी डर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो भी डर। अमृता, मतलब इतना डर अमृता बन गया है कि... सुनी हमने बात, आपके साथ जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी आवाज सुनी हमने, किस तरह से इंसान की शक्ल में भेड़िए हर जगह मौजूद हैं, घूरती हुई नजरें महिलाओं को परेशान करती हैं, मदद के लिए वो गुहार लगाएं तो कैसे और लगाएं तो क्यों, क्योंकि मदद के नाम पर ही तो हैदराबाद की बेटी के साथ वो दरिंदगी हुई जिसको लेकर पूरा देश आक्रोशित है। दीपक रावत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए और बताइए लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं इस घटना का।
जी देखिए अरुण, हम अक्सर ऐसी बात करते हैं, हम और आप हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो सरकार हो, तमाम लोग ये बात करते हैं कि तस्वीर बदलनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में निर्भया गैंगरेप होता है और यही तस्वीर उस वक्त भी नजर आती है जब जंतर मंतर पे आप दूर तक देखें तो आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे, लोग विरोध कर रहे हैं इस घटना का, लेकिन दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो पुलिस वाले यहाँ मौजूद है सुरक्षा के घेरे बनाकर ताकि ये प्रदर्शनकारी यहाँ से बाहर ना जा सके। काश ये घेरा उस वक्त बनाया गया होता जब उस महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ, या फिर उस वक्त सुरक्षा दी गई होती जिस वक्त उसे जला दिया गया ताकि वो अपनी आप बीती किसी और को न बता पाती। कुछ इसी चक्कर में, इसी विरोध के चक्कर में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों विरोध कर रही है, जो हुआ आपको लगता है कि कुछ तस्वीर बदल रही है? निर्भया गैंगरेप भी हुआ था तब भी यही बातें कही थी। देखिए, निर्भया वाला केस हुआ था उसके बाद भी आज उसको न्याय नहीं मिला है। आज उस मुद्दे को भी उठाते हुए हम आज प्रियंका रेड्डी वाला जो ना, मैं एक दूसरे प्रदर्शनकारी यहाँ पर भी मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करें। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी निर्भया गैंगरेप हुआ था, क्या लगता है कि चीजें बदल पाई हैं? लगातार कोशिश आप लोग भी रहती है कि प्रदर्शन करें, सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाए, पहुंचता है मैसेज? अभी तक तो कोई भी नहीं पहुंचा। निर्भया कांड से लेके आप दो तीन कांड देख लीजिए, इनमें कुछ भी नहीं हुआ, जितना भी हमने सोचा था कुछ नहीं हुआ। ऑर्डर्स देने का मतलब है कि सरकार को जागरूक होना चाहिए, सुनना चाहिए, सरकार तो सुनती नहीं है। ये जो रेप करते अपने घर में क्यों नहीं करते, घर में भी माँ होती है, बहन होती है, ये बाहर ही क्यों करते हैं? क्योंकि इनको कुछ रिसेंट नहीं मिलता। और देशों में देख लो, जिन्होंने रेप किया उनको जाके उसी टाइम टंड मिलता है रेप वालों को, यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि सरकार निकम्मी है, जिसको वोट दिया उसके साथ साथ सरकार निकम्मी है। हम इतनी दूर से प्रोटेस्ट करने क्यों? क्योंकि एक से एक काम बढ़ता रहेगा, सबकी माएँ बेटी हैं, अपने घर में रेप जिस दिन करना बंद कर देंगे तब लोग बाहर करना बंद कर देंगे। इनको चाहना चाहिए कि इनके साथ कुछ होना चाहिए। ये जब उनको अंदर रख दिया, इनको सरेआम मुर्दा घर में जलाना चाहिए इनको, जैसे उन्होंने उसके साथ किया, सेम टू सेम। लोगों का गुस्सा देखिए अरुण, कितना ज्यादा गुस्सा है और गुस्सा इस कदर बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से ये भीड़ आपको नजर आएगी। ये भीड़ यही कहती है कि बात आप तस्वीर बदलने की करते हैं लेकिन वो तस्वीर कभी बदलती नहीं है। जी जी दीपक, जी दीपक, तस्वीर यही पूरे देश से आ रही है। सारे लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन इस वक्त चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में संजय तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां इस वक्त किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। संजय, ये देख सकते हैं आप किस तरह से पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है, तमाम स्कूल कॉलेज की लड़कियां यहां पर आई हुई हैं और वो उनका एक ही नारा है, वी वांट जस्टिस। जस्टिस किस तरह का? जाहिर तौर पे वो जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद जो स्थितियां बनी थी उसके बाद भी जो है महिलाएं लड़कियां सुरक्षा नहीं महसूस कर रही हैं और इस तरह की वारदात हो रही है, तो वो चाहते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। और इंसाफ का मतलब सिर्फ इस केस से रिलेटेड नहीं है, वो इंसाफ जो है पूरी तरह से सुरक्षा का सवाल है। तो वो लड़कियां यहाँ पर उसी के लिए निकली हुई हैं और आप देख सकते हैं कि ये सभी उम्र की लड़कियां हैं, स्कूल की, कॉलेज की। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हैं? फांसी लगा दो, इनका कहना है उनको फांसी होना चाहिए। कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू फांसी होगी ना। गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए और ताकि दूसरी लड़कियों को लड़कियों का कहना है कि दूसरी लड़कियों को जो है वो इस तरह का फिर किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, ये एक मेन डिमांड है। तो जो गुस्सा है वो गुस्से को समझा जा सकता है, क्योंकि लोग और लड़कियां खास तौर पर चाहती हैं कि वो सुरक्षित रहें, अपने घर से निकले। वर्किंग वूमेन जो तमाम शहरों में अपने घरों से निकलती हैं, उनके घर वालों को इस बात की चिंता रहती है कि वो लड़की वापस लौट कर आएगी, हमारे घर पर शाम को वापस लौटेगी कि नहीं। ये जो चिंता है, जो डर है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है और पूरे देश में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाह है। पुलिस ने चार दफे इस रैली को रोकने की कोशिश की है लेकिन वो असफल रही है। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हैदराबाद के इंदिरा पार्क इलाके में इनको पहुंचना है और वहां पर ये प्रदर्शन करेंगे। तो पुलिस की कोशिश है कि ये रैली जो है वो कहीं बीच में ही रुक जाए, लेकिन लड़कियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, यूथ हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, इसमें सब शामिल हैं। और इस गुस्से को, जो गुस्सा है उनके अंदर, वो उसकी वजह साफ तौर पर समझी जा सकती है। निश्चित रूप से संजय, जो गुस्सा है उसको हमें भी समझना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर उस समाज को भी समझना चाहिए कि सरेआम फांसी देने की बात ये लड़कियां क्यों कर रही हैं। इसलिए कर रही हैं क्योंकि सिस्टम से न्याय मिलता उनको नजर नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने निर्भया के माँ बाप की बातचीत सुनी थी, 7 साल हो गए 7 साल अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, राष्ट्रपति के पास दया याचिका अभी भी पेंडिंग है। इसलिए गुस्सा है लोगों में, लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को चौराहे पर खड़े करिए, समाज के सामने फांसी दीजिए ताकि लोगों में इस बात का डर बैठे,
जब वो आगे इस तरह की घटना करने के बारे में सोचे भी तो उनकी रूह कांप जाए। हमारे साथ मनोज शर्मा भोपाल से जुड़े हैं। दो बेटियों ने किस तरह से कविता के माध्यम से अपनी व्यथा कही, अपना दुख कहा, लेकिन बेटियों को अब लाचार नहीं रहना है, बेटियों को उठ खड़े होना है, जैसा कि आप देख रहे हैं हैदराबाद में, दिल्ली में देख रहे हैं, मुंबई में देख रहे हैं, चेन्नई में देख रहे हैं, दुनिया और देश के तमाम हिस्सों में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, और ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। उसकी आवाज में हमारी आवाज भी शामिल है। मनोज शर्मा के पास चलते हैं भोपाल। मनोज, आपके साथ जो बच्चियां हैं, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनका गुस्सा, गम, आक्रोश, उस सब के साथ हम खड़े हैं। जरा और बच्चियों से बात करिए, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? जो बात होती है, कैसे मतलब समाज को सल्यूशन कैसे निकलेगा, हल कैसे निकलेगा? पहला हमें पुरुष प्रधान मानसिकता बदलनी पड़ेगी हमारे समाज की, लड़कियों के प्रति जो है, जो पुरुष ही हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और दूसरी हमारी न्याय व्यवस्था, जिसमें नियम तो है लेकिन फिर भी वो नियम नहीं है, सिर्फ वो एक लिख गए चुके हैं हमारे संविधान में लेकिन उसका फॉलोअप नहीं होता है। वी वॉन्ट टू, हम चाहते हैं कि जो लोग हत्यारे जो रेप करते हैं, यदि वो रोड पे कर सकते हैं तो उनको मौत रोड पे क्यों नहीं दी जा सकती? और मैं उन हत्यारों को ये बोलना चाहूंगी कि हम ये बोलना चाहते हैं कि जब हत्यारे वो सब कर सकते हैं तो हमारी फैसिलिटी, हमारी जो कानून व्यवस्था है वो इतनी होनी चाहिए कि उन्हें तभी के तभी सजा दी जाए। पुख्ता जस्टिस आपको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वी डोंट सी जस्टिस इन सच केसेस। जस्टिस होता तो शायद 2012 वाला जो केस था उसमें आज तक इतना डिले नहीं होता उसकी सुनवाई के लिए। जिस टाइम पे होता वो घटना, ऐसी घटना जिस टाइम पे होती, उसी टाइम। मनोज, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल।